देखो पहले ऐसा कुछ दिखता है और ऐसा कुछ दिखता है 500 का, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूँ 100 का, 100 का कुछ ऐसा दिखता है ना, उसके पैसे हैं पूरे यहाँ के, ये जो बाहर का ये जो व्यू है ना, इस चीज़ के पैसे लगे हैं मेरे बस। और काफ़ी अच्छा व्यू है, मतलब तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि आपको एक बहुत मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, तो अभी जिस होटल में मैं रुका हूँ वो बॉस रेसिडेंस करके एक है, बॉस समथिंग कुछ है। तो गाइस बढ़िया होटल है, मतलब ये मुझे जो डील मिली है काफ़ी सस्ते में डील मिल गई है, मतलब अप्रॉक्सीमेट बात करूँ तो ये मुझे 900 बात के आसपास पड़ा है, क्योंकि यार लास्ट डे है ना मेरा, तो मुझे यार रेस्ट करना था अच्छे से, तो मैं सोचा कि यार ये कर देता हूँ। तो एक बार आपको पूरा अच्छे से व्यू दिखाता हूँ, पहले तो मैंने क्यों सेलेक्ट किया वो दिखाता हूँ मैं। तभी देखो ये पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है यहाँ से, देखो आप। हेलो, तो देखो ये मैंने इसलिए बुक किया इस व्यू के लिए, ये देखो भाई पूरा सिटी दिख रहा है, पूरा बैंकॉक दिख रहा है अपने रूम से। और एक और चीज़ दिखाऊँ इंटरेस्टिंग, यहाँ पर मैंने क्या कर रखे हैं, अपने होटल के बाहर ही कच्चे सुखा रखे हैं और कोई जगह थी नहीं गाइस, और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। तो ये देखो पूरा मस्त है, अभी अंदर से दिखाता हूँ एक बार। अभी ये अपना सोने का है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको टॉयलेट भी दिखा देता हूँ, देखो इस टॉयलेट छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शावर है, मतलब नॉर्मल सा है, हॉट वाटर आ जाता है। और ये अपन है, और बाकी अभी और दिखाऊँ तो गाइस ये है, एमिनिटीज़ थोड़ी दे रखी हैं इस हॉस्टल का। इस होटल का मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लगी वो है कि ये इन्होंने एक ये मेन्यू कार्ड सा दे रखा है, अगर कोई भी चीज़ डैमेज हुई तो उसका उतना उतना लगेगा। जैसे टीवी डैमेज हुआ तो 200 बाट, और अगर रेफ्रिजरेटर हुआ तो 25 बाट। तो इन सब चीज़ों का ना इसने रेट लिखा हुआ है, अगर कुछ भी चीज़ डैमेज हुई तो ये लोग काट लेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे ना 500 बात रखे हैं, पहले 1000 बोल रहे थे, तो मैंने बोला मेरे पास एक ही दिन है, 1000 बात क्यों रख रहे हो, 500 रखो ना। तो उन्होंने फिर 500 रख लिए। लेकिन गाइस ओवरऑल मेरे को लगता है कि ठीक ठाक है, मतलब वर्थ इट करता है ये। और अपना बस वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान वामान फैला पड़ा है, ये अपना बैग है, आप सब लोग जानते हो, सबने देखा होगा वीडियोस में काफ़ी बार। और मेन तो भाई मेरे को सबसे अच्छा लगा बाहर का व्यू, और बाहर का जो व्यू है ना उसके पैसे हैं पूरे यहाँ के, ये जो बाहर का ये जो व्यू है ना, इस चीज़ के पैसे लगे हैं मेरे बस। और काफ़ी अच्छा व्यू है, ओवरऑल मैं बात करूं तो काफ़ी सही जगह है ये, और काफ़ी सही प्राइस में है, क्योंकि सिटी सेंटर में इस प्राइस में मिलना, वो भी आपका पर्सनल होटल, बहुत मुश्किल है। तो कितने के तो मैंने कुछ हॉस्टल्स वगैरह भी चेकआउट किए थे, मतलब एक मैड मंकी करके होगा, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बैंकॉक में काफ़ी मतलब नाम है इसका, तो उसका भी इतना ही प्राइस लग रहा था। मैंने बोला भाई मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए, क्योंकि मेरा आखिर का दिन है तो सामान वामान वैसे ही फैला पड़ा रहता है, तो वो ये कि आराम से फिर निकलूँगा, तो इसलिए मैंने बुक कर दिया। और भाई आगे का व्यू भी आपने देख लिया है, मज़ेदार व्यू है। सो गाइस अब भी मिलते हैं अपन कुछ टाइम बाद, तब तक मैं थोड़ा सा मेरा काम वाम निपटा लेता हूँ। सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ थाई की करेंसी, जैसे कि आप जब भी थाई करेंसी कहीं पर भी चेंज कराने जाओ, किसी भी करेंसी एक्सचेंज पे या फॉरेक्स एक्सचेंज पे, तो ये नोट आप ध्यान से देख लो कि ये नोट उस नोट से मैच करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरे पास 1000 का नोट नहीं है, 500 का है, 100 का है और 20 का है, 1000 का मेरा खर्च हो गया। लेकिन अगर मेरे को रास्ते में किसी के पास मिल जाता है तो मेरे कोई ना कोई वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो पूरा देख लिया करो। तभी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ 500 का, 100 का और 20 का, ध्यान से देखना। और बाकी कॉइन्स वगैरह मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, उस पर ऐसे वाली वीडियो बन सकती है कि भाई कॉइन से कुछ खरीद रहा हूँ मैं, तो ऐसा वाला है। तो मैं एक बार पूरा दिखाता हूँ, एक बार देखो आप। गाइस देखो ये तीनों नोट हैं अपने पास, सबसे पहला आता है 500 का, तो 500 का देखो पहले ऐसा कुछ दिखता है और ऐसा कुछ दिखता है 500 का, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूँ 100 का, 100 का कुछ ऐसा दिखता है और ऐसा दिखता है। और उसका दिखाता हूँ 20 का, 20 का सबसे छोटा नोट है, और नोट की अगर क्वालिटी की बात करूँ ठीक ठाक है, मतलब पेपर वाला नहीं है, थोड़ा सा प्लास्टिक वगैरह इसमें कुछ मिला रखा है, प्लास्टिक वाला ऐसा कुछ है इसमें। उसका आते हैं भाई अपने पास, ये देखो भाई कॉइन तो हमेशा ही मेरे पास रशिया के बहुत सारे पड़े हैं, थाई के बहुत सारे हो गए। सबसे पहला आता है 10 का, देखो 10 का कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये 10 के हो गए। फिर उसका आता है 5 का, 5 का कुछ ऐसा होता है, ये 5 5 के सारे, ये 10 का है।
और उसके बाद में आता है एक का, ये एक का सबसे छोटा वाला, एक का ये एक का है सबसे छोटा वाला। सो ठीक है गाइस, मैंने अभी आपको सारे नोट दिखा दिए हैं, सारे चिल्लर दिखा दिए हैं। तो जब भी आप थाईलैंड के लिए आओ तो देख लेना कि आपके पास सही करेंसी है या नहीं है। कभी कभी किसी का हो जाता है, उसको फेक करेंसी पकड़ा दी जाती है और चेकआउट नहीं करता है और निकल जाता है अपनी कंट्री से, फिर यहाँ के उसको प्रॉब्लम हो जाती है इमिग्रेशन के ऊपर कि उसके जो नोट होते हैं वो नकली होते हैं। तो ऐसे नहीं करना कभी भी, और हमेशा चेक करते रहना। और बाकी अभी आने वाले टाइम पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियोस में बीच बीच में इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, तो वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपकी जो ट्रिप हो वो बहुत ही मज़ेदार हो। सो गाइस, अभी कुछ और इंटरेस्टिंग मिलता है तो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। देखते हैं शाम को कुछ प्लान वगैरह बनते हैं मेरा कहीं पर जाने वाने का, तो लेट्स सी। बाकी मेरा तो अभी रेस्ट का ही प्लान है क्योंकि मैं काफ़ी दिन से घूम ही रहा था, तो सोचा एक दिन तो कम से कम रेस्ट करूँ, तो इसीलिए भाई अभी मस्त लोकेशन पर मस्त रेस्ट कर रहा हूँ। सो गाइज हेलो एवरीवन, और अभी जैसे कि मैं पहले सुखमित में रह रहा था, सुखोमित में, तो वहाँ पे मैंने मेरे होटल से चेकआउट कर लिया, फिर मैं यहाँ पे ग्रैब करके आ गया। और गाइज बैंकॉक में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वीक डेज पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता है। ये प्लेस सिर्फ 10 किलोमीटर के आसपास होगी का, लेकिन कम से कम मुझे आने में एक घंटे से ऊपर लग गया। और अभी मैं आया हुआ एक इंडियन रेस्टोरेंट पर, ये बिल्कुल खाओसान के ऊपर है। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है हर्ब्स एंड स्पाइसेस करके, और इसके सामने 7-Eleven है, और ये खाओसान वाली रोड है। थोड़ा सा आगे जाओगे वहाँ से अगर आप राइट लोगे तो खाओसान की रोड आ जाएगी। और ये बेसिकली इनका मेन्यू है, तो मेन्यू मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी जो मैंने जो ऑर्डर किया है वो है ये। पहले मैंने एक बार पंजाबी थाली ऑलरेडी पहले ट्राई कर ली थी, तो काफ़ी सही थी, काफ़ी सही क्वान्टिटी थी। अब मैंने नॉनवेज थाली मंगाई, इसमें बस चिकन करी रहेगा। और यहाँ पर स्वीट लस्सी के प्राइजेस इतने हैं, ये सब आप देख सकते हो। मैंगो लस्सी के 100 हैं, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं नहीं ले रहा हूँ। बाकी मेरा लगेज वगैरह मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी यहाँ पर मैंने ऑर्डर दे दिया नॉनवेज थाली का, तो अभी जैसे थाली आ जाएगी देन आपको एक बार क्वांटिटी भी दिखा दूँगा कि भाई क्वांटिटी कितनी है। और देखो एसी वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी सही है। सो गाइज अभी मैंने खाना खा लिया है, और जैसा कि आपने प्लेट देखा वो 250 बात की प्लेट थी। करी थी, छोले की सब्जी थी, दाल थी, और मतलब 250 में उसमें बाकी दो नान थे हाफ हाफ में कटे हुए थे, एक पापड़ भी था। मतलब ओवरऑल बात करूँ तो एक बंदे के हिसाब से ठीक है। और यही मेल अगर आप वेज में लेना चाहते हो तो आपको 200 बाट में आराम से पड़ जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो गाइज मुझे काफ़ी फेयर डील लगी, क्योंकि इतना खाओसान रोड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो यहाँ पर ये इतना तो रहेगा ही रहेगा। तो 200 बाट में आप भर पेट के खाना खा सकते हो आराम से। तो गाइस अभी जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ ये खाओसान रोड है, तो सबसे ज़्यादा जो पार्टीज़ वगैरह या फिर आप थोड़ा एक्टिव एरिया बोल लो, मतलब नाइट में भी दिन में भी, वो यही वाला एरिया है। और अगर आपको कहीं पर स्टे करना है, आपके पास कम टाइम है, तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। आपका पर डे का जो रहेगा गाइस, अगर मान के चलो हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो 400 से 500 INR में रहेगा। मतलब मान के चलो 220 बात से लेके आप 300 बात तक मान सकते हो, बजटेड में बता रहा हूँ मैं। और वरना अगर आप होटल या हॉस्टल लेके रहना चाहते हो तो अपने हिसाब से, अगर आपको जो ठीक लगता है आप उस हिसाब से रह सकते हो। अभी क्या है कि अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है अच्छा अच्छी कहीं पर ट्रैवल करने का, बस मैं वॉक ले रहा हूँ। और यहाँ पर आप ये जो जितने भी गाड़ियाँ वगैरह मेरे पीछे से निकलते हुए देख रहे हो, ये टूरिस्ट बसें हैं। और यहाँ से पीछे ही एक स्टॉप आता है, यहाँ पर एक S1 करके बस है जो खाओसान रोड से डायरेक्टली स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के ऊपर जाती है। तो शाम के टाइम मैं वही लूँगा, और अभी बस मेरा ये प्लान है कि बस यहाँ थोड़ा बहुत ट्रैवल करके। और गाइज अभी ये मैं थोड़ा सा मेन रास्ते की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से खाओसान रोड स्टार्ट होती है। तो अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हो, पता नहीं चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। और
गाइस फाइनली अपनी थाईलैंड की ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है और अभी इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ S1 बस के अंदर और ये जाती है अपन रोड से टू अपना स्वर्णभूमि एयरपोर्ट की तरफ। तो मैं अभी काफ़ी पहले ही जा रहा हूँ, तो क्योंकि वही है कि मैंने स्टे वगैरह कहीं बुक किया नहीं था, तो मैं सोचा काफ़ी पहले ही चले जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर और वहाँ पर जाके फिर देखता हूँ गाइस कैसा सीन रहता है। और बाहर अभी ना इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गीला भी हो रखा हूँ मैं काफ़ी। एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्वर्णभूमि बैंकॉक एयरपोर्ट के जस्ट बाहर, तो ये कुछ ऐसा दिखता है मेरे पीछे से। और अभी जस्ट मैं अंदर जाऊँगा तो अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर गेट पे कोई चेकिंग वगैरह भी नहीं होती जैसे अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर होती है, डायरेक्टली जाओ और अपने डायरेक्टली डिपार्चर पर चले जाओ। तो अभी पर पूरा एयरपोर्ट दिखाता हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पर अभी मेरी बस मुझे छोड़ गई है, सब 60 बात के अंदर मैं आ गया हूँ सिटी सेंटर से अपने खाउसान रोड से स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के ऊपर। और ये बाकी इसके एंट्रेंस वगैरह कुछ ऐसी है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है तो इंडिया के लिए जो मेनली जो फ़्लाइट होती है वो यहीं से होती है। और मैंने जो ट्रैकिंग वगैरह की थी ना उससे मेरे पैर में अभी भी पेन हो रहा है। तो देखो गाइस कुछ भी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बैगेज चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं। और ये स्वर्णभूमि एयरपोर्ट आ चुका है, तो बेसिकली यहाँ से इंटरनेशनल डिपार्चर वगैरह यही रहता है। एक बार अपनी फ़्लाइट वगैरह देख लेते हैं कहाँ पे है।